6:30 6:40 तक आ जाते हैं, आज 6:55 पे आए के ऊपर है ना। हाँ तो नीचे बुला लिया, अच्छे सपोर्ट कर देते हैं, सबको बुला ले सर, ये अपना लगा ले बहुत है, जान रहे हैं कल वैसे परसों बवाल किया था एठो सर। देर है यहाँ दोनों जगह जय साथियों, स्वागत है सबका मेजर कल्सी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सब सबको पता है कि हम लोग जो है आपके बेहतरीन प्रश्नों के संग्रह जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है उन सबको लेकर के हमारे सभी जो जितने भी टीचर हैं वो सब अपने अपने टर्न पे आपसे मिल रहे हैं। आज मैं आपसे मिलने वाला हूँ कैट के एग्जाम को लेकर के, एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा है और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। मेरे सभी साथी जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। आपको मैं बता दूं कि इस बार मैं आपके लिए 50 बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं जो मिसलेनियस टाइप के हैं, मतलब जिसमें आपको हिस्ट्री से भी दिखेगा, ज्योग्राफी से भी दिखेगा, पॉलिटिक्स से भी दिखेगा, इकोनॉमिक्स से दिखेगा, सारी चीज कुछ करंट इश्यूज होंगे, कुछ डिफेंस के भी इश्यूज होंगे, उन सब से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग लेकर जुड़ेंगे। कुमार रंजन जय 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 भैया, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सदर सॉन्ग रिपीट हो रहा है, जिसपे आप देखेंगे कि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आप लोग इसकी बेस को बनाना कि आप तैयारी मेंटेन कीजिए। हालांकि आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन कराया हूं और 50 दमदार क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप के हैं, आशा करता हूं इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सर, शुरू करते हैं। और अब आवाज सही आ रही है भाई, अब आवाज सही आ रही है, कंचन जी बताएं आवाज सही आ रही है भाई या अभी भी ईगो कर रही है। चलें तो बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग अगर अभी तक एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं मेरे प्यारे साथी, सबको मैं बताता हूं कि एमकेसी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, रिगार्डिंग लेक्चर, डेली प्रैक्टिस सेशन, नोट्स, ओपन सेशन और डाउट काउंटर आपको मिलने वाले हैं जबरदस्त मात्रा में, तो ये आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज का आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे फारेनहाइट में पूछेगा वैल्यू और या तो आपसे सेल्सियस में पूछता है। ठीक है, और अगर आपसे फारेनहाइट में पूछता है तो आपको क्या है, ओके कंजन, चलिए तो आपसे या तो अब यहां पे देखिए सारी वैल्यू जो है फारेनहाइट में दी हुई है, किसमें दी हुई है, फारेनहाइट में दी हुई है, तो आपको मैं बता दूं कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कितना है, आप सब कमेंट करके बता सकते हैं कितना है। सी ऑप्शन आना शुरू हो गया है, कुमार कंचन जी ने सी बताया है। चलिए और देखता हूं और कोई भी जो जितने भी साथी हैं वो और बताएं, और भी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार बताएं कि
नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, जरा एक बार कमेंट करके बताओ आप लोग, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है। मैं आपको बता दूं साहब कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी अगर फारेनहाइट की बात किया जाए तो 98.6 होता है। कितना होता है? 98.6 होता है। लेकिन अगर यही सेल्सियस में वैल्यू दे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चाहे तो कहोगे कि 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये दो ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डिनोट कर रहे हैं। क्लियर रहेगा? मतलब आपसे कोई बात नहीं सत्यम, कोई बात नहीं मेरे भाई, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो आप क्या बताओगे? फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 होता है। और सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे। एक फार्मूला है C is equal to 5/9, सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू फारेनहाइट माइनस 32। बात समझ पा रहे हैं? अब अगर मान लीजिए कि फारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ है या सेल्सियस में वैल्यू दिया हुआ है, दोनों में से किसी में से भी वैल्यू दिया हो, आप इसी फार्मूले पे रख के आप इसी, या हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि सेल्सियस में वैल्यू दे दिया हो, सेल्सियस की वैल्यू कुछ दे दिया हो और पूछ रहा हो फारेनहाइट में बता दो कितना होगा, या आपसे पूछ ले फारेनहाइट की वैल्यू दे दिया हो और पूछ ले सेल्सियस में बता दो, तो बोलो प्यारे साथी आप सब लोग निकाल लोगे इसको कि नहीं निकाल पाओगे? बताओ मेरे भाई कि इसको निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, C is equal to 5/9 × f − 37, जहां पे f फारेनहाइट है और c सेल्सियस है। अब अगर वैल्यू सेल्सियस में दी होगी, फारेनहाइट में पूछ रहा होगा, तब भी आप निकाल दोगे। अगर आपको फारेनहाइट में वैल्यू देगा, सेल्सियस पूछ रहा होगा, तब भी आप निकाल दोगे। और अगर नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछेगा तो वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो एक मानक सेट है, एक जो है लेबल सेट है कि वहां तक ही होगा, ठीक। तो वो 98.6 जो है फारेनहाइट है और अगर यही सेल्सियस में है तो 37 है। इज दैट क्लियर? सर इसका तीनों क्लियर कीजिए फार्मूला से। तीनों क्लियर तो हुआ भाई कंचन जी, तीनों क्लियर तो हुआ, फारेनहाइट सेल्सियस एंड केल्विन का अलग फार्मूला है भाई, ठीक, केल्विन का अलग फार्मूला है, ये सेल्सियस और उसका फारेनहाइट का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो। ऐसा कौन सा रोग है जो किसके द्वारा, आप देखोगे कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, उसका कारण जो है वो क्या होता है? वायरस होता है। उस रोग का कारण जो है वो वायरस है, लेकिन वो फैलता किससे है वो आपको बताना है, मॉस्किटो के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है प्लेग दिया हुआ है, बी है टाइफस, सी एलो फीवर एंड डी कोविड-19। आपको मालूम है कि क्या होगा, एलो फीवर ऐसा डिजीज है जो काज किसका, इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है साहब? मॉस्किटो वायरस है, लेकिन ये फैलता किससे है? तो आप बताओगे मॉस्किटो से, ठीक है, बात समझ पाए। और आपको मालूम है कि एलो फीवर को जो इसका रीजन है वो क्या है?
तो आप बताओगे वायरस है, और ये फैलता किससे है तो बताओगे मॉस्किटो से। तो आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से मॉस्किटो से फैलता है, कौन से मॉस्किटो से फैल सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओ, किस किस मच्छर के द्वारा फैलता है उसका नाम भी पूछ सकता है। अगर नाम पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि ये किसके द्वारा फैलता है, तो आप बताओगे कि ये एडीस, एडीस के द्वारा फैलता है, एडीस एजेप्टी, क्या बोलते हैं, एडीस एजेप्टी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है तो आप बताओगे एडीस एजेप्टी के द्वारा फैलता है, एडीस एजेप्टी के द्वारा फैलता है। मतलब ये ये येलो फीवर जो है वो किसके कारण फैलता है, तो आप बताओगे एडीस एजेप्टी के कारण फैलता है। बात समझ में आया, ये क्लियर है बिल्कुल। येलो फीवर किस मच्छर के कारण होता है, तो आप बताओगे कि येलो फीवर एडीस एजेप्टी के कारण होता है। एक मच्छर एडीस करके एल्बोपिक्टस भी होता है, एडीस एल्बोपिक्टस, एडीस एल्बोपिक्टस होता है, तो एडीज एल्बोपिक्टस भी, एडीज एजेप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस भी, ये दोनों कारण है किसके। अच्छा, इसी को आप एक फेमस नाम क्या बोलते हो, तो आप बताओगे कि चिकनगुनिया बोलते हो। क्या बोलते हो, तो आप बताओगे कि चिकनगुनिया बोलते हो। तो चिकनगुनिया का भी रीजन यही है, तो चाहे येलो फीवर को हो या चिकनगुनिया को हो, और ये किसके कारण फैलता है, तो एडीज एजेप्टी या एडीज एल्बोपिक्टस के कारण फैलता है। ये मच्छर हैं जिसके कारण, इसके काज जो हैं वो वायरस हैं, बट ये फैलते, ये ट्रांसमिटेड किससे होते हैं, तो आप बताओगे कि मच्छर से होते हैं, मॉस्किटो से होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच सीजन बॉडी नीड्स मोर फैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है समर, बी विंटर, सी रेनी एंड डी स्प्रिंग। In which season body needs more fat? In which season body needs more fat? You can answer fast, Kanchan fast, जल्दी जल्दी answer करें भाई। Summer, नहीं भीजा मेरे। देखो, अभी आप लोग सेलेक्ट होके आर्मी में जाओगे, अलग अलग क्षेत्र में सेवाएं दोगे, एयरफोर्स में जाओगे, ठीक। फिर आपकी ड्यूटी लगेगी सियाचिन पे। सियाचिन पे कोल्ड बहुत है, टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, -50 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको फैट वाली चीजें खिलाई जाएंगी, क्योंकि कोल्ड में क्या होता है, स्किन को बॉडी को वार्म रखने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है। तो फैट की जरूरत आपको मालूम है कि मोर फैट की जरूरत कब पड़ेगी, तो आप बताओगे साहब विंटर सीजन में। और गर्मी में जब ज्यादा फैट हो जाएगा भैया, तो आप सोचो कि आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। गर्मी में अगर आप ज्यादा फैट खाओगे या फैट ज्यादा लोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक। और वो तो वैसे ही भी निकलता है, ठीक। हाँ, विंटर सीजन होगा कुमार कंचन, बिल्कुल विंटर सीजन होगा मेरे भाई। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चले आंसर करना। रेनी एंड स्प्रिंग, रेनी एंड स्प्रिंग नहीं होगा भाई मेरे। रेनी एंड स्प्रिंग जो है, जो बरसात का सीजन है, वो भी गर्मी से ही रिलेटेड है, और स्प्रिंग तो गर्मी का स्टार्टिंग होता है, ठीक। तो विंटर सीजन क्या होगा उसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है विच एजेंसी हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इश्यू। कौन सी एजेंसी है जो ग्लोबल हेल्थ इशू को हैंडल करती है, विच एजेंसी हैंडल
ग्लोबल हेल्थ इशू? आंसर करें फटाफट, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आंसर बताएं। विच एजेंसी हैंडल ग्लोबल हेल्थ इश्यू? ए गुड, बहुत अच्छे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हैंडल ग्लोबल हेल्थ इश्यू। राइट आंसर WHO, वेरी गुड। तो आप बता दो कि WHO का establishment कब हुआ था? WHO का establishment कब हुआ था मेरे भाई? आप बता दो, WHO का establishment 7th of April 1948 को हुआ था। आपको मालूम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट करके फटाफट बताओ मेरे भाई कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप बताओ फटाफट WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नहीं 48 में हुआ है भैया, 1948 में हुआ है, 7th of April 1948 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और आपको बताना है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी आंसर करें कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताएं कहाँ पे है। तो आप बताओगे कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि जिनेवा में। और आपसे पूछेगा कि जिनेवा कहाँ है, तो क्या बताओगे कि स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ऐसी जगह दुनिया के मतलब बहुत ही प्यारी जगह स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगला प्रश्न, आंसर क्या लगाया आप लोगों ने? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आंसर लगाया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है, जो सबसे ब्लड ले सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर ब्लड ग्रुप से अपने में ब्लड ले सकता है? तो आप क्या बताओगे, विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? क्या बताओगे आंसर इसका, विच ऑफ द ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट? तो आप आंसर क्या बताओगे, जल्दी आंसर करें। क्या होगा इसका आंसर? तो आप बताओगे कि AB पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड O पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। कौन है, तो आप बताओगे O पॉजिटिव और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, तो आप क्या बताओगे, AB पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, अगला क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आंसर प्लीज। विटामिन ई डिफिशियंसी कॉजेस
विटामिन ई डिफिशियंसी कॉजेस, चले यूनिवर्सल रिसिपिएंट एबी एंड यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई डिफिशिएंसी कॉज, विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोफीलिया नो, हेयर फॉल नो, वीकनेस नो, क्या स्टेरिलिटी होता है, अनफर्टिलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनफर्टिलिटी। इसका मतलब यह है साहब कि जो प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है, मतलब पुरुष और महिलाओं में जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है, नहीं भैया वीकनेस नहीं होगा, पुरुष और महिलाओं में बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चा पैदा करने की क्षमता क्या कम हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं स्टेरिलिटी बोलते हैं, इसको इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है अनफर्टिलिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अनफर्टिलिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन आंसर करें जल्दी आंसर करें। हाँ बांझपन जिसको बोलते हैं भैया, बहुत से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चले आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर कर लें फटाफट। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st मार्च, 6th मार्च, 6th अक्टूबर, 10th दिसंबर एंड 7th अप्रैल। एज यू नो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th अप्रैल। कब मनाया जाता है तो आप बताओगे 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को, क्या मनाया जाता है 7th अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो हमको बताओ कि 6th अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो आप बताओगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है तो आप बता सकते हो कि इस दिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, और वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये कब मनाया जाता है तो आप बताओगे 6 अक्टूबर को। तो आप बताओ 1st मार्च को क्या मनाया जाता है, 1st मार्च को क्या मनाया जाता है भैया मेरे, क्या मनाया जाता है बता दो 1st मार्च को किस रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आप बताओगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। क्या मनाते हैं तो आप इसको किस रूप में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। 1st मार्च को क्या मनाते हैं तो आप बताओगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं तो आप बताओगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। कब तो आप बोलोगे 1st मार्च को। 1st मार्च को क्या मनाते हैं तो आप बताओगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं। इज दैट क्लियर। तो आप 10 दिसंबर को ही क्यों छोड़ दो, 10 दिसंबर को भी बता दो क्या मनाते हैं इसको, तो आप बताओगे कि 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं तो ह्यूमन राइट्स
ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमन राइट डे क्या मनाते हैं? तो आप बताओगे कि ह्यूमन राइट राइट डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? तो आप बताओगे, आप बताओगे 10 दिसंबर। हाँ, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वेरी गुड। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब ऐसा कौन सा इनमें से बीमारी है जो जल के कारण होती है? कौन सी ऐसी बीमारी है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो आप बताओगे जल के कारण, वाटर के कारण, वाटर के रीजन से, जल के कारण से कौन सी बीमारी होती है? चलो बताओ भाई, बताओ फटाफट आंसर दो, कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो किसके कारण है? वाटर बॉर्न डिजीज है, जल के कारण होती है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो जल के कारण होती है? वाटर बॉर्न डिजीज है। मलेरिया, मलेरिया भैया मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज, लेडीज एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, ध्यान रखिएगा। क्या? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग वाटर से होने वाले रोग के बारे में। तो आपको पता है कि वाटर के कारण कौन सा होगा? तो ये बताओ कि जो कालरा है, कालरा में क्या होता है? डिसेंट्री एंड ओमिटिंग, ठीक, उल्टी और दस्त होता है, ठीक। तो कालरा कैसा है आप बताओगे? कालरा जो है वाटर, और कोई वाटर डिजीज का है नाम आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कौन सा? तो आप बता देना कि डायरिया है। क्या है? तो आप बता देना कि डायरिया भी किसके कारण होती है? तो पानी के ही वजह से, पानी का डिजीज है। टाइफाइड किस वजह से होता है? तो आप बता देना कि टाइफाइड भी किसकी वजह से होता है? तो आप बता देना कि टाइफाइड भी किस वजह से होता है? तो पानी की वजह से होता है। एम्बियासिस भी किसकी वजह से होता है? एम्बियासिस भी किसकी वजह से होता है? तो आप बता देना पानी की वजह से होता है। अगर आपसे पूछे हेपेटाइटिस ए भी किसके कारण होता है? तो आप बता देना हेपेटाइटिस ए भी किसके कारण से होता है? वाटर के, ठीक। और जो सनमोल्ला होता है वह भी किसके वजह से होता है? तो आप बता देना कि जो सलमोनला है ये भी किसके वजह से होता है? तो आप बता देना कि वाटर के कारण होता है, ठीक है। तो वाटर के कारण एक तो आपका कॉलरा हो गया, दूसरा डायरिया हो गया, तीसरा टाइफाइड हो गया, चौथा एम्बासिस हो गया, और पांचवा हेपेटाइटिस ए हो गया, और जो सलमोनला है वह भी आपका वाटर के कारण होने वाला डिजीज है, वाटर के कारण होने वाली बीमारी। बात समझ रहे हैं? चल, हाँ, मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से होता है, और लेडीज एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के? तो आप बता देना लेडीज एनाफिलीज मच्छर, या जिसको आप लोग मादा एनाफिलीज मच्छर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाउ लॉन्ग शुड वन वॉश हैंड टू रिमेन फ्री टू COVID-19? कितने देर तक हाथ धोना पड़ा था? थोड़ा सा पुराना हो गया, मेरा मन कहा कि इसको पुट किया जाए। कितनी देर तक हाथ धोने के लिए कहा गया था COVID-19 के दौरान? जो हाथ धोने की परंपरा शुरू हुई थी वो कितनी देर तक हाथ धोना था बताओ, फिर बताएं। How long should be wash hand to remain free of COVID-19? चले
चले चले आंसर करें. हाउ लॉन्ग शुड वन वॉश हैंड टू रिमेन फ्री ऑफ कोविड 19? 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 20 सेकेंड. वेरी गुड, वेरी गुड. हाउ मेनी यू कैन आंसर? 20 सेकेंड. नेक्स्ट नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इज अ हेरिडिटरी डिजीज? विच ऑफ दीज अ हेरिडिटरी, मतलब कौन सा इनमें से ऐसा है जो आनुवांशिक रोग है? कौन सा ऐसा है जो कैसा रोग है? तो आप बताओगे आनुवांशिक. चलिए आंसर करें. विच ऑफ दीज इज अ हेरिडिटरी डिजीज, कौन सा एक है जो आनुवांशिक रोग है? क्या होगा आंसर बता देना. कि केवल और केवल कलर ब्लाइंडनेस इनमें से है. कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग, जिसमें हम लोग रंगों की पहचान कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस ऐसा है जो जो किसके कारण से होता है, तो वो वंशानुगत होता है. अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल, तो आप बताओगे हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है. आपको मालूम है कि हॉर्नबिल एक बहुत ही सुंदर चिड़िया है, ठीक है? क्या है? तो आप बताओगे कि हॉर्नबिल एक बहुत ही सुंदर चिड़िया है, सुंदर चिड़िया है हॉर्नबिल, बहुत ही सुंदर चिड़िया है. और हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा. तो आपको मैं बता दूं कि 1 to 10 December कब, तो आप बताओगे 1 से 10 December के बीच में, 1 से 10 December के बीच में, 1 to 10 December, 1 से 10 December के बीच में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है. कहां पे? तो आप बताओगे नागालैंड. कहां पे? तो आप बताओगे कि नागालैंड में, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको, आपको कहां सेलिब्रेट करने को देखने को मिलेगा, तो आप बताओगे नागालैंड. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है. एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन, कौन सा ऐसा स्टेट है जो एलिफेंट फेस्टिवल मनाता है? तो आपको मैं पहले बता दूं भैया कि ये होली के दिन, किस दिन? तो आप बताओगे कि जिस दिन होली होती है, कौन सी होती है? होली होती है, होली वाले दिन, होली वाले दिन, ऑन द डे ऑफ होली ये जो है एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. और कहां पे किया जाता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप क्या बताओगे कि जयपुर में किया जाता है. कहां किया जाता है? तो आप बताओगे जयपुर में किया जाता है. एलिफेंट फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप बताओगे जयपुर में. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अ फायर टेंपल इज अ प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर. फायर टेंपल, अ फायर टेंपल इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यूस, जैंस, जरथुस्ट्रियन, बुद्धिस्ट. तो जो फायर टेंपल है वो किसके लिए है? तो ये जरथुस्ट्रियन, जो आप लोग यहूदी नाम सुने होंगे, यहूदियों के देवता हैं. किसके? यहूदी, यहूदियों के देवता हैं, मतलब इजराइल, इजराइल यहूदी कंट्री है. और इजराइल के, इजराइल के जो गॉड हैं वो कौन है? जरथुस्ट है. और जरथुस्ट को फॉलो करने वाले क्या कहे जाएंगे? तो आप बताओगे जरथुस्ट्रियन कहे जाएंगे. बात समझ रहे हैं? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है.
बिल्कुल सही है कुमार कंचन, बिल्कुल सही मेरे भाई, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि द टेम्पल सिटी ऑफ ओशियन नियर जोधपुर वास बिल्ट बाय, द टेम्पल सिटी ऑफ ओशियन नियर जोधपुर, जोधपुर वास बिल्ट बाय कौन, प्रतिहार्स, सोलंकी, चौहान्स और परमार्स, किसने बनवाया, किसने बनवाया आपसे अगर पूछेगा कि द टेम्पल सिटी ऑफ ओशियंस, तो इसको बनवाया था गुर्जर प्रतिहार ने, किसने बनवाया था, तो आप बताओगे कि ये गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आप बताओगे कि ये गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनाया गया था, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, दमहाल इज द फॉक डांस ऑफ, बताओ भैया। अच्छा हर जगह के थोड़े बहुत इसका इसका जो दमहाल इज द फॉक डांस ऑफ विच स्टेट, मैं आपसे बोलूं कि आप लगभग में चार छह जो फेमस फेमस राज्य हैं उनके फॉक डांस आप याद कर लें, जैसे राजस्थान का, राजस्थान का एक बहुत ही अच्छा है कालबेलिया, कालबेलिया डांस कहाँ का है, तो आप बताओगे राजस्थान का है। आप कठपुतली डांस तो सुने ही होंगे, झूमर तो सुने ही होंगे, ठीक है, झूमर डांस तो सुने ही होंगे, तो झूमर हालांकि कई स्टेट का है लेकिन कालबेलिया और कठपुतली ये दोनों राजस्थान में स्पेशल है, बात समझ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में नाटी है, छाम है, ठीक है, क्या है आप बताओगे, नाटी, एक नाटी है और छाम है, ये एक्चुअल में बुद्धिस्ट लोग करते हैं, कौन करते हैं, जो बुद्ध के फॉलोवर हैं वो करते हैं, छाम डांस करते हैं। पंजाब की अगर बात किया जाए तो पंजाब में भांगड़ा है, गिद्दा है, गटका है, क्या है, तो आप बताओगे पंजाब में भांगड़ा है, गिद्दा है, गिद्धा है और गटका है, गटका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गटका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये है। लेकिन जो दमहाल है ये कहां का है, तो आप बताओगे कश्मीर का, और कुमार कंचन ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, हाँ लावनी राजस्थान, दमहाल जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है मेरे भैया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कालचक्र इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन, कालचक्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है कि कालचक्र इज एसोसिएटेड विथ विच धर्म, विच रिलीजन, जुडिशियन, हिंदुइज्म, इस्लामिस, बुद्धिस्ट, तो बताइए किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है कालचक्र, कालचक्र किससे जुड़ा है, तो आपको मैं बता दूं, आपको मैं बता दूं कि कालचक्र जो बौद्ध धर्म में वज्रयान था, क्या था, आप बताओगे कि जो बौद्ध धर्म में वज्रयान था, जो बुद्धिज्म में वज्रयान था, उससे रिलेटेड है कौन, कालचक्र, कालचक्र किससे रिलेटेड है, तो आप बताओगे बुद्धिज्म में जो वज्रयान है उससे रिलेटेड है कालचक्र। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है इंडिया 2020 इज अ बुक रिटन बाय, इंडिया 2020, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया 2020 इज अ बुक रिटन बाय, रिटन बाय मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया, जी गणेशान, इंदिरा कुमार गुजराल और एपीजे अब्दुल कलाम, कौन है, कौन है जिसने इंडिया 2020 बुक लिखा, इंडिया 2020 बुक किसने लिखा, आप बताओगे, आप बताओगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या लिखा है, तो आप बताओगे इंडिया 2020 बुक्स लिखा है। आपको मैं बता दूं साहब कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने विंग्स ऑफ फायर लिखा एंड ऑटोबायोग्राफी के रूप,
कौन सा बुक लिखा? विंग्स ऑफ फायर लिखा, इग्नाइटेड माइंड्स लिखा, इन्होंने मिशन ऑफ इंडिया लिखा। बात समझ रहे हैं? और आपको बता दूं कि इन्होंने फेलियर टू सक्सेस लिखा। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक। और तो ये एपीजे अब्दुल कलाम हैं जिन्होंने क्या किया है, तो आप बताओगे आंसर क्या बता दोगे? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी अवार्ड आर गिवन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फील्ड। किस फील्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस करने पर धनवंतरी अवार्ड मिलता है या धनवंतरी अवार्ड दिया जाता है? क्वेश्चन पूछे है कि धनवंतरी अवार्ड आर गिवन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन दिस इन द फील्ड। किस फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने पे धनवंतरी अवार्ड मिलता है, यही आपसे पूछना है। बताएं, मेडिकल साइंसेस, न्यूक्लियर साइंसेस, इकोनॉमिक्स, स्पेस रिसर्च। वैद्य धनवंतरी के बारे में सब लोग जानते हैं, तो अगर धनवंतरी अवार्ड दिया जाएगा तो वो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आप बताओगे मेडिसिन के एरिया में दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? मेडिकल साइंसेस में दिया जाएगा धनवंतरी अवार्ड। किसमें दिया जाएगा? तो आप बताओगे मेडिकल साइंस में दिया जाएगा धनवंतरी अवार्ड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट? जल्दी विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट? आप बताओगे बेथलहम। कहां पे? बेथलहम, जो जेरूसलेम से 10 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है जेरूसलेम से। तो बेथलहम में क्या हुआ था? जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच इंडियन सिटी प्लेज होस्ट टू द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल? इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल किस शहर में मनाया जाता है? तो आप बताओगे हैदराबाद में। कहां पे मनाया जाता है? तो आप बताओगे हैदराबाद में। आंसर क्या होगा हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वेटिकन सिटी नहीं है भैया कुमार कंचन, बेथलहम है। ठीक, गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ओवर विच स्टेट। तो आपको नो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या याद रखने की जरूरत है? तो आप बताओगे, आपको याद रखने की जरूरत है कि वो कौन कौन से का ज्यूरिडिक्शन उसके पास में है। तो आप बता देना कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन नहीं आएगा? तो आप बता दो कि मेघालय नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? तो आप बता दोगे मेघालय नहीं आएगा। भैया कौन नहीं आएगा? तो आप बता दोगे मेघालय नहीं आएगा। मां समझे? गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ओवर विच स्टेट, यू कैन से मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया?
कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको आपको थोड़ा सा बुद्धिमानी भरा काम करना चाहिए। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के बारे में। ऑस्ट्रेलिया को आपको आपको मैं बता दूं कि ये वाला एरिया कौन सा है, ये बेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, बेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। और बेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है तो आप बताओगे कि पर्थ है। कौन सा है तो आप बताओगे कि बेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है तो आप बताओगे पर्थ है। ठीक। फिर नॉर्थ नॉर्थ जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न है नॉर्दर्न टेरिटरी है, ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है। दूसरा स्टेट कौन सा है, नॉर्दर्न टेरिटरी है। और नॉर्दर्न टेरिटरी का जो कैपिटल है वो है डार्विन। कौन सा है तो आप बताओगे कि नॉर्दर्न टेरिटरी का जो है कैपिटल क्या है तो आप बताओगे डार्विन है। कौन है, डार्विन है। बात समझ पाए। फिर कौन सा है, फिर कौन सा है तो सदर्न टेरिटरी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आप बताओगे, साउथ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, साउथ ऑस्ट्रेलिया। और साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन है तो आप बताओगे सर एडिलेड है। कौन है तो आप बताओगे कि सर एडिलेड है। कौन, एडिलेड का जो ग्राउंड है वो एडिलेड है। बात समझ रहे हैं, कौन है तो आप बताओगे एडिलेड है। अब आपको मैं बता दूं, अब आपको मैं बता दूं कि एक प्लेस पड़ता है आपका, एक प्लेस पड़ता है आपका, आपको प्लेस पड़ता है कि क्वींसलैंड। कौन सा, एक प्रोविंस है क्वींसलैंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्वींसलैंड की कैपिटल क्या है तो आप बताओगे कि क्वींसलैंड की कैपिटल कौन सी है तो आप बताओगे ब्रिस्बेन। कौन है तो आप बताओगे कि ब्रिस्बेन है। कौन है तो आप बताओगे ब्रिस्बेन है। अब बच रहा है दो स्टेट और बच रहे हैं, एक तो बच रहा है कौन सा स्टेट, न्यू साउथ वेल्स। कौन सा स्टेट बच रहा है तो आप बताओगे ये है न्यू साउथ वेल्स। कौन है तो आप बताओगे न्यू साउथ वेल्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यू साउथ वेल्स का स्टेट कौन सी कैपिटल है तो आप बताओगे न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी। कौन है भैया तो आप बताओगे कि न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल कौन है तो आप बताओगे सिडनी। कौन है तो आप बताओगे सिडनी। और अब जो बच रहा है वो है विक्टोरिया। वो विक्टोरिया है, वो है विक्टोरिया, वो कौन है विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया की कैपिटल क्या है तो आप बताओगे कि विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। कौन है, विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, विक्टोरिया की कैपिटल कौन सी है, मेलबर्न। लेकिन लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है। इसके जितने स्टेट हैं उन सारे स्टेट की कैपिटल मैंने बता दिया है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है। तो पहली चीज तो ध्यान दे लेना कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो इसके स्टेट न्यू साउथ वेल्स में है। कौन से राज्य में है तो आप बताओगे न्यू साउथ वेल्स स्टेट में है। और इसकी राजधानी यहां पड़ेगी, इसका नाम क्या है। तो अगर मैं दूसरे पेन से लिख दूं भाई मेरे तो कोई बुरा ना मानना, क्या होगी इसकी कैपिटल यहाँ पे है। और कैपिटल क्या है तो आप बताओगे कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है तो आप बताओगे कैनबरा है। कौन सी है तो बताओगे कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है तो आप क्या बताओगे कैनबरा है। किस स्टेट में पड़ेगा, न्यू साउथ वेल्स में। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने स्टेट हैं तो आप काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हाउ मेनी स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया तो आप बताओगे कि सब 6 राज्य हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग राज्यों की मैंने कैपिटल भी लिख दिया है और मैंने ऑस्ट्रेलिया की भी कैपिटल बता दिया है। याद रखना, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है अक्सर। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अंडर अंडर
यहाँ इसका आंसर तो लगाए ही थे ना हम लोग, आंसर लगाए थे नहीं लगाए थे तो आप बता देना कौन सा है कैनबरा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का क्या नाम है? तो आप बता देना कैनबरा है, मेलबर्न नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, अगला कह रहा है कि अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण व्हिच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एड क्लीनेस्ट सिटी इन, देखो भैया 2019 से और 2023 तक, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं कि आप देखो, आप देखोगे 2019 से 2023 तक अभी भी पहले स्थान पे कौन है? तो आप बताओगे इंदौर। पहले स्थान पे कौन है? इंदौर है। दूसरे स्थान पे सूरत है, दूसरे पे सूरत है, तीसरे पे नवी मुंबई है। मतलब सबसे स्वच्छ शहरों में सबसे नंबर एक इंदौर, नंबर दो सूरत और नंबर तीन पे आपका कौन है? नवी मुंबई। अगर फोर्थ प्लेस पूछ ले तो छत्तीसगढ़ में एक स्थान है अंबिकापुर। कौन सा स्थान है? अंबिकापुर है। तो आप अंबिकापुर को लगा देना, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 2019 से और 23 तक इंदौर मध्य प्रदेश है। इंदौर के बाद में नवी मुंबई, सॉरी इंदौर के बाद में सूरत, सूरत के बाद में नवी मुंबई, नवी मुंबई के बाद में अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चले फटाफट आगे बढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन है कि विच पार्ट इज रीनेम्ड एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, विच पोर्ट इज रीनेम्ड एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, किस पोर्ट का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि भैया कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। कौन सा नाम कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी जल्दी, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन पे कि न्यूक्लियर फिशन पे कि डीकंपोजिशन पे कि केमिकल ब्लास्ट पे। तो आपको मैं बता दूं कि जो हाइड्रोजन बम है वो किस पे बेस्ड है? न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड है? तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार कंचन, ठीक है, बिल्कुल भैया, हाइड्रोजन बम किस पे बेस्ड है? तो आप क्या बताओगे? न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एनुमेरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन, किसको संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा गया है? आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के एवोल्यूशन होने पे आर्टिकल 32 के द्वारा 5 रेड डारी डाल के फंडामेंटल राइट को बचा लेता है। तो इसका जो गार्जियन है, फंडामेंटल राइट का जो गार्जियन है वो कौन है? तो आप बताओगे कि फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है? तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट है। कौन है भैया मेरे? तो आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज द ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम, किस शहर में सबसे पुरानी मेट्रो परियोजना चल रही है? ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो सबसे पुराना मेट्रो है वो कहाँ का है? तो आप बताओगे कि सबसे पुराना मेट्रो कहाँ का है? तो आप बताओगे कि सबसे पुराना मेट्रो लंदन मेट्रो है। और ये कब चलाया गया? तो आप बताओगे कि 1863 में चलाया गया। जो लंदन मेट्रो है वो कब चलाया गया? 1863 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बता दो कि बर्लिन में कब चला, तो आप बता देना 1902। ऐसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे शिकागो में कब चला, 1892 में चला, 1892 में। और अगर आपसे पूछे न्यूयॉर्क में कब चला, तो न्यूयॉर्क 1904।
1904, मतलब सबसे ओल्डेस्ट कौन है तो आप बताओगे लंदन मेट्रो है। सबसे ओल्डेस्ट मेट्रो कौन सा है? लंदन मेट्रो 1853 में, सॉरी 63 में वहां चला दी गई थी। तो आप बताओ इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट में मेट्रो आया? इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कहाँ आया तो आप बताओगे कोलकाता में आया। कहाँ पे आया? कोलकाता में आया। और कोलकाता में कहाँ आया तो आप बताओगे 1984 में। कहाँ पे आया? 1984 में, 1984 में कोलकाता आया, कोलकाता मेट्रो बना। ठीक है कुमार कच्छर, गलत कर रहे हो भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मिडिल ईस्ट वॉज डैमेज्ड ह्यूजली ऑन 4 अगस्त 1920 बाय द पावरफुल ब्लास्ट। मैं आपको बता दूं कि 4 अगस्त को इसमें एक देश ऐसा है जहां पे उसके पास क्या था, कुछ ऐसे अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, तो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक होता ही है, तो हुआ क्या कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट में क्या हो गया भैया, विस्फोट हो गया और बहुत ही नुकसान हुआ उस देश का। वो देश और कोई नहीं, कौन था तो आप बताओगे बेरूत था। कौन था? बेरूत था। बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के कारण क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक मीन कैंफ वाज रिटन बाय। मीन कैंफ बुक को किसने लिखा है? स्टालिन ने नहीं, लेनिन ने नहीं, हिटलर ने लिखा है। हिटलर की बायोग्राफी कौन सी है तो आप बता देना मीन कैंफ। हिटलर की बायोग्राफी कौन सी है तो बता देना कि मीन कैंफ है। हिटलर की बायोग्राफी कौन सी है तो बता देना मीन कैंफ है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक मीन कैंफ वॉज रिटन बाय हिटलर। Who composed the national song? देखो यहाँ national anthem की बात नहीं कर रहा है, national anthem अलग चीज है, ठीक है, और national song अलग चीज है। national song जो है वो किसने किया है तो आप बताओगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि anthem की बात आएगी तब किसने किया है तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। बात समझ रहे हैं? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, द सीवी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1930 फॉर हिज वर्क रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैं बता दूं रमन को रमन इफेक्ट इज रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, विच आर्टिलरी गन इज इंडिजिनस बोल्ट। Good artillery gun is indigenous bolt. बताओ फटाफट कौन सा artillery gun था जो, बताओ which artillery gun is indigenous bolt? कौन है तो आप बताओगे सारंग है। कौन है? सारंग है। बात समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, Theory of organic evolution was proposed by Lamarck, Johnson और Swan and Darwin. Organic evolution किसने लिखा है तो आप बताओगे Theory of organic evolution is written by Darwin. किसने लिखा है तो आप बताओगे Darwin ने लिखा है। बात समझ में आ रही है? किसने लिखा है तो आप बोलोगे डार्विन ने लिखा है।
इसी में ओरिजिनेट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। इसके ओरिजिन ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड स्पीसीज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई नहीं, होमी भाभा नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, किसको कहा जाता है? तो आप बताओगे कि हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आप बताओगे एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप बताओगे एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ला ऑफ बियांसी वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, ला ऑफ बियांसी किसने खोजा? तो आप बताओगे उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने खोजा है? तो आप बताओगे आर्किमिडीज ने खोजा है। किसने खोजा है? तो आप बताओगे कि आर्किमिडीज ने खोजा है, ठीक, किसने खोजा है? तो आप बताओगे आर्किमिडीज ने खोजा है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आज के स्क्रीन पे है कि विच इंडियन इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। विच इंडियन इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, किसको? तो आपको मैं बता दूं कि 1000 से 800 बीसी के बीच में, 1000 से 800 बीसी के बीच में एक बहुत ही फेमस अपने यहाँ सर्जरी के डिपार्टमेंट के बहुत ही अच्छे वैद्य हुए, जिनका नाम है सुश्रुत। कौन नाम है? सुश्रुत। और सुश्रुत इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत इज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल टू स्पेस। वो कौन पहला व्यक्ति था जो स्पेस में ट्रेवल किया, बता दो। तो आप बताओगे कि 1861 में रसिया का एक यात्री कौन? एक साइंटिस्ट, यूरी गागरिन पहला व्यक्ति था जो कहां गया? स्पेस में गया। अगला क्वेश्चन है कि LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA का मतलब क्या है भैया? तो आप बताओगे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA कौन सा है? तो आप बताओगे तेजस है। कौन है? तो आप बताओगे तेजस है, LCA इज तेजस। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु क्वाइंड द टर्म रेडियो एक्टिविटी किसने दिया? मैरी करी, नील्स ब्रदर, रिचर्ड फ्रान, मेरिला मेलबाजी। आपको बताना है कि आपको मैरी क्वेरी और इनके हस्बैंड ने मिल करके, मतलब मैडम क्यूरी और सर क्यूरी, दो लोगों ने मिल करके भैया क्या किया था? उनका नाम था पियरे क्यूरी और इनका नाम मैरी क्यूरी। क्या नाम था? तो आप बताओगे कि मैरी क्यूरी के हस्बैंड का नाम क्या था? तो आप बताओगे कि उनका नाम पियरे क्यूरी था। क्या नाम था? तो आप बताओगे कि पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने मिल करके रेडियो एक्टिविटी दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैरी क्यूरी हो जाएगा। बिल्कुल सही। अगला है, नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज सिचुएटेड इन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो आपको बताना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो आप बताओगे तिरुअनंतपुरम में।
कहाँ पे है तो आप बताओगे, विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है तो आप बताओगे तिरुअनंतपुरम में। क्या है तो आप बताओगे कि तिरुअनंतपुरम में है। अगला है, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। Who is the father of geometry? चले बताएं भैया जल्दी जल्दी। यूक्लिड आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत सही भैया। कौन थे तो आप बताओगे कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन थे तो आप बताओगे कि यूक्लिड थे। कौन थे भैया तो आप बताओगे कि यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। बहुत अच्छे। कौन थे फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन थे तो आप बताओगे यूक्लिड थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है भैया मेरे तो आप बताओगे हु इज नोन एज लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है तो आप बताओगे कि लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है तो आप बताओगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैंप कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है तो आप बताओगे कि लेडी विद द लैंप कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, अच्छा आयरन लेडी किसको कहा जाता है तो आयरन लेडी किसको कहा जाता है तो आप बताओगे इंदिरा गांधी को कहा जाता है। आयरन लेडी किसको कहा जाता है तो आप बताओगे इंदिरा गांधी को। क्वीन ऑफ मेलोडी किसको कहा जाता है तो आप क्या बताओगे कि क्वीन ऑफ मेलोडी किसको कहा जाता है तो आप बताओगे लता मंगेशकर को कहा जाता है। ठीक है। और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है तो आप बताओगे कि इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ। और एक बात बता दूं, सरोजिनी नायडू को बापू क्या कहते थे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक। बापू ने इनको मिक्की माउस कहा है। मिक्की माउस का इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोलते थे। हाँ बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी इनको मिक्की माउस कहते थे। क्या बोलते थे गांधी जी इनको? तो सरोजिनी नायडू को गांधी जी क्या बोलते थे तो मिक्की माउस कहते थे। क्या बोलते थे भैया तो आप बताओगे कि मिक्की माउस कहते थे। गांधी जी इनको मिक्की माउस कहते थे। अगला है, हु इज रेफर्ड टू फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि फ्रंटियर गांधी के विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, खान अब्दुल गफ्फार खान। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। इनको हिंदी में सीमांत गांधी बोलते थे भैया। क्या कहते थे? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था तो आप बताओगे सीमांत गांधी किसको कहते थे तो आप बताओगे। हाँ, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, सर कोकिला, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी कुरियन हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ विच फील्ड। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का रिलेशन किस फील्ड से है? एटॉमिक एनर्जी, मेडिकल साइंस, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप क्या बताओगे? डेयरी डेवलपमेंट। किसके है तो आप बताओगे डेयरी डेवलपमेंट। किससे है? डेयरी डेवलपमेंट से। जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन जुड़ा है तो आप बताओगे कि एमएस स्वामीनाथन जुड़े हैं। कौन है रिलेटेड
तो आप बताओगे एम एस स्वामीनाथन। कौन है? तो आप बताओगे एम एस स्वामीनाथन। अगला, उस्ताद अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद, मतलब उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान किस फील्ड से रिलेटेड हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, यहाँ पे आंसर तो आप जान लो कि उस्ताद अमजद अली खान क्या बजाते हैं भैया, तो आप बता देना कि सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तो आप बता दोगे कि सरोद बजाते हैं। लेकिन लेकिन आपको मैं बता दूं, संतूर कौन बजाता है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो आप बताओगे कि संतूर बजाते हैं। बात समझ रहे हैं? संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं। और वीणा कौन बजाता है? तो आप बताओगे एस बालचंद बजाते हैं। कौन बजाता है? एस बालचंद वीणा बजाते हैं, एस बालचंद वीणा बजाते हैं। और तबला में तो बहुत नाम है, जाकिर हुसैन, अल्लाह अल्लाह खां, अल्लाह रखा खां, ठीक है। कौन है? आप बताओगे जाकिर हुसैन है। कौन है भैया? जाकिर हुसैन है। आप बता दोगे अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, ठीक है, गुदई महाराज, गुदई महाराज, गुदई महाराज, किशन महाराज, ये सब किसे हैं? तो आप बताओगे किशन महाराज, ये सब महाराज जितने हैं ये किससे रिलेटेड हैं? तो आप बताओगे कि तबला से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के लक्ष्मण कौन थे? बहुत ही फेमस हस्ती, आर के लक्ष्मण इज रिनॉन, राइटर हैं, सिंगर हैं, क्रिकेटर हैं कि कार्टूनिस्ट हैं? तो आपको मालूम है कि जो आर के लक्ष्मण हैं ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट हैं भाई मेरे। कौन है? तो आप बताओगे कि आर के लक्ष्मण बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है। क्या है? तो आप बताओगे बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है। क्या है? तो आप बताओगे बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है। आर के लक्ष्मण कौन है? तो आप बताओगे बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है आर के लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, 47 नंबर क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड निशान ए पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान? राजीव गांधी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं, मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति हैं जैसे भारत में भारत रत्न है तो भारत रत्न भी इनको मिला है, मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी मिला है। और पाकिस्तान भारत रत्न के ही समान, पाकिस्तान का जो अवार्ड है वो इक्विवेलेंट अवार्ड क्या कहा जाता है? निशान ए पाकिस्तान कहा जाता है। तो निशान ए पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों पाने वाले व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो आप बता दोगे कि मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु इज नोन एज इंडियन बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? प्यारे साथी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता है किसको? नेहरू को तो कहा नहीं जाता है, गांधी जी को तो कहा नहीं जाता है, ठीक है, कुमार स्वामी कामराज को तो कहा नहीं जाता है, किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? क्या कहा जाता है? पटेल, पटेल जी को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला है, हु इज कॉल्ड एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, उड़ता हुआ सिख, फ्लाइंग सिख,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने, किसने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान ने ये नाम दिया था, किसको दिया था, अजीत पाल सिंह को नहीं, मोहिंदर सिंह को नहीं, जोगिंदर सिंह को नहीं, किसको मिला था, भाग मिल्खा सिंह को मिला था, किसको मिला था, भाग दैट मीन मिल्खा सिंह को मिला था, किसको मिला था भैया मेरे, तो आप बताओगे मिल्खा सिंह को मिला था। बात समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक चीज ये हमको बताओ, दोनों में भैया 49-49 है, टेंशन ना लियो। क्या है कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू, स्वर्ण सिंह, सरदार पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। हमको क्या बताना है, पहला होम मिनिस्टर, पहला होम मिनिस्टर कौन था, तो आप बता देना सरदार वल्लभ भाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री बने थे भारत के। अगला, और अगला में क्या है कि टीचर्स अकेडमी है, सॉरी इसके है जो है एमकेसी ऐप के लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करें। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रैक्टिस सेशन, नोट्स, ओपन सेशन और डाउट काउंटर, सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म के लिए। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा, ये एक्चुअल में साहब आज का सेशन कैसा लगा एक बार जरा कमेंट करके बताओ कि आज का सेशन कैसा लगा। 50 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लोगे, 50 क्वेश्चन ये तैयार करोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि 5-10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से मिलने वाले हैं। और जितना मैंने एक्सप्लेन करवाया है उन सबसे मिला के बोल रहा हूं, जो एक्सप्लेन करवाता हूं वहां से भी रिलेटेड करके बोल रहा हूं। ठीक, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। ओके कुमार कंचन, बहुत बहुत भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ो और मेहनत करो भैया। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर के आपसे मिलूं और उस सब के जितना संभव हो सके उतना, कोई पूरा क्लास तो नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से पूरा क्लास तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।